वेलकम टू दिस क्विज। आई नो सम ऑफ यू आर वेटिंग फॉर लॉन्ग, तो अभी आपको इंतजार खत्म हो गया। अब हम क्विज स्टार्ट करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्विज में पार्टिसिपेट करें और जीतें फ्री ओरेकल रीडिंग वर्थ 400 रुपीज। अब ऐसा होता है कि कई दफ़ा आप किसी वजह से सुपर चैट नहीं कर पाते या UPI में पेमेंट नहीं कर पाते या मेंबर भी नहीं बन पाते, तो आपके डिटेल रीडिंग नहीं हो पाती है। तो इसके वजह से अगर आप इस क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे, जीतेंगे, तो आपके क्वेश्चंस का आंसर फ्री में हो जाएगा वर्थ 400 रुपीज़। तो ये क्विज आपके लिए ही बना हुआ है। ऑल राइट, इसमें पार्टिसिपेट करने के बहुत ही सिंपल रूल्स हैं, सबके लिए ये ओपन है। एनी बडी कैन पार्टिसिपेट, हुएवर इज लाइव कैन पार्टिसिपेट इन दिस क्विज। नो क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा, कोई पेमेंट नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री टू पार्टिसिपेट। लेकिन अगर आप जीतेंगे तो आपको ये रिवार्ड मिलेगा। ऑल राइट, और जीतने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले सही जवाब देना है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट मेथड वी यूज टू फाइंड आउट हु विंस दैट क्विज। इन द क्विज देर आर 4 राउंड्स, दैट मीन्स एवरी राउंड विल हैव 1 क्वेश्चन। आपको सबसे पहले और सही जवाब देना है। जितना कंप्लीट जवाब देंगे उतने आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आपको नुकसान हो सकता है। तो सिंपल से रूल्स हैं, मैंने सारे रूल्स आपको बता दिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन बिकॉज क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। द क्वेश्चन इज कमिंग अप राइट नाउ, काइंडली फोकस ऑन द स्क्रीन। हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। In the year 1721, who becomes the Britain's first Lord of Treasury, which is also effective Prime Minister? 1721 में ब्रिटेन के पहले लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी कौन बने और वो प्राइम मिनिस्टर भी कहलाए, मतलब जो लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी है उस जमाने में, क्योंकि ये पहले थे तो इनको प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता था। लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर 1721, इनका पूरा नाम बताएंगे तो आप जीतेंगे। जितना जल्दी बताएंगे आप जीतेंगे। फर्स्ट पर्सन विल विन, इस चीज़ का ध्यान रहे। और जो लोग जिनके क्वेश्चन अभी रह गए हैं, जो क्यू में हैं, डोंट गेट एंक्शियस, आपके क्वेश्चन सारे लिए जाएंगे। राइट नाउ पार्टिसिपेट इन द क्विज टू विन। जैसे जैसे आपके जवाब आएंगे वैसे वैसे यहाँ पे डिस्प्ले होंगे इस साइड में स्क्रीन में, तो जो हमको देख रहा है वही आपको देखेगा। तो इट्स एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन विच इज, इन द ईयर 1721 हु बिकम्स द ब्रिटेन फर्स्ट लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी एंड इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट, इनका नाम बताना है आपको। सो पहला आंसर आया है, आई एम चेकिंग, पहला आंसर आया है सनिका का। सनिका इज सेइंग सर रॉबर्ट वॉलपोल। प्रतिमा कुशवाहा, सर रॉबर्ट वॉलपोल। जैस्मिन, सर रॉबर्ट वॉलपोल। सनिका बोल रही हैं रॉबर्ट वॉलपोल, फर्स्ट अर्ल ऑफ ओरफोर्ड। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक मुझे लग रहा है, बट सनिका आपने आंसर दिया है। ऑल राइट, तो अब हम, सबसे पहले आंसर आया है सनिका का। सनिका ने कहा है सर रॉबर्ट वॉलपोल। अब हम देखेंगे कि इनका आंसर सही है कि नहीं। अगर इनका आंसर सही नहीं हुआ या इनकम्प्लीट हुआ तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट कंप्लीट आंसर। हियर कम्स द आंसर। हम आंसर खोलने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। ऑल राइट, रॉबर्ट वॉलपोल, फर्स्ट अर्ल ऑफ ओरफोर्ड। कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है सनिका, आपने बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। आपका नाम हम डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पे, गिव मी अ मोमेंट। आपने अपना नाम वापस ले लिया है। ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, सनिका वाज द फर्स्ट वन। सनिका का नाम स्क्रीन पे है सर रॉबर्ट वॉलपोल, एंड इन्होंने सबसे कंप्लीट आंसर दिया है। और इन्होंने ये भी कहा है कि फर्स्ट अर्ल ऑफ ओरफोर्ड, ये भी उन्होंने कहा है। तो सनिका जी आप इस राउंड में जीती हैं, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सनिका। ऑलराइट, नाउ वी आर क्विकली मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1776 हार्वर्ड कॉलेज वोट्स टू अवार्ड जॉर्ज वाशिंगटन ए ऑनररी डिग्री, व्हाट वाज दिस डिग्री। 1776 में हार्वर्ड ने
वोट किया कि जॉर्ज वाशिंगटन जो पहले प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, उनको एक ऑनरेरी डिग्री दी जाए। इस डिग्री का नाम क्या था? आपको सिर्फ इस डिग्री का नाम बताना है, नाम किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताना है या कुछ बैकग्राउंड फोरग्राउंड नहीं बताना है। 1776 में हार्वर्ड ने जॉर्ज वाशिंगटन को एक डिग्री दी ऑनरेरी, इस डिग्री का नाम बताना है। रिमेंबर फ्रेंड्स, फर्स्ट पर्सन टू गिव द करेक्ट आंसर विंस। नॉर्मली क्वेश्चंस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, क्वेश्चंस आर इजी, बट क्विकनेस मैटर्स। जितना जल्दी आप जवाब देंगे उतने आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑल राइट, इन द ईयर 1776 हार्वर्ड कॉलेज वोट्स टू अवार्ड जॉर्ज वाशिंगटन एन ऑनरेरी डिग्री। व्हाट वाज दिस डिग्री? ऑल राइट, वी स्टार्टेड गेटिंग द आंसर्स। फर्स्ट आंसर इज फ्रॉम साक्षी, डॉक्टर ऑफ लॉ, LLD, जैस्मिन, ऑनरेरी डॉक्टर ऑफ लॉज। ओके, वी हैव गॉट टू आंसर्स। फर्स्ट वॉज साक्षी फॉलोड बाय जैस्मिन। कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, आप पार्टिसिपेट करेंगे तभी जीतेंगे। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर आप क्यों में रहेंगे, आप जीत नहीं पाएंगे। तो कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अब हमको नहीं पता कि आपको कितना नॉलेज है, लेकिन आप अपनी नॉलेज का, अपने इंटेलिजेंस का डेमोंस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं और जीतेंगे। ऑल राइट, तो साक्षी का सबसे पहले आंसर आया है। साक्षी जी, आपने कहा है डॉक्टर ऑफ लॉज, LLD। तो हम आंसर खोलने जा रहे हैं, देखते हैं साक्षी का आंसर सही है कि नहीं, इनका पहले था। ऑल राइट, हियर कम्स द आंसर, डॉक्टर ऑफ लॉ, LLD। एब्सोल्युटली राइट साक्षी, आपका नाम हम डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पे। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर साक्षी। हार्वर्ड डिसाइडेड टू गिव डिग्री टू जॉर्ज वाशिंगटन, ऑनरेरी डिग्री, विच इज द नेम ऑफ द डिग्री इज डॉक्टर ऑफ लॉज। ऑल राइट साक्षी, ग्रेट जॉब। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काइंडली फोकस ऑन द नेक्स्ट वन फ्रेंड्स। इन द ईयर 1996 क्रिकेटर राहुल द्रविड़ मेक्स हिज इंटरनेशनल डेब्यू फॉर इंडिया इन एन ODI अगेंस्ट विच कंट्री। 1996 में राहुल द्रविड़ ने अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन जो उनका पहला मैच था वो किस कंट्री के अगेंस्ट खेल रहे थे? सिर्फ कंट्री का नाम बताना है और कुछ नहीं बताना है। राहुल द्रविड़ ने अपनी जिंदगी का जो पहला मैच खेला वो किस कंट्री के अगेंस्ट खेला? 1996 राहुल द्रविड़ फर्स्ट मैच अगेंस्ट विच कंट्री। 4 pointers आर गिवन टू यू, दैट विल हेल्प यू टू गिव द राइट आंसर। Remember friends, first person to give the right answer wins. Okay, so I got the answer now from Sanika. Sanika says Sri Lanka. Pratima Kushwaha says Sri Lanka. Sakshi says Sri Lanka. All right. अभी हमारे पास 3 आंसर आए हैं। सनिका वॉज द फर्स्ट वन टू से श्रीलंका। जैस्मिन इज ऑल्सो सेइंग श्रीलंका। ऑल राइट, तो सनिका वॉज द फर्स्ट वन, उनका आंसर था श्रीलंका। सनिका जी, हम आंसर खोलने जा रहे हैं। अगर आपका आंसर सही नहीं हुआ तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट पर्सन विथ करेक्ट आंसर। ऑल राइट, सनिका वॉज द फर्स्ट वन, हियर कम्स द आंसर, श्रीलंका। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, सनिका ने एकदम सही जवाब दिया है, श्रीलंका। श्रीलंका, सनिका जी आपका नाम स्क्रीन पे है। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सनिका। क्विकली आगे बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ। इन द ईयर 1975 माइक्रोसॉफ्ट इज फाउंडेड एज ए पार्टनरशिप बिटवीन बिल गेट्स एंड विच अदर पर्सन। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई। हमको सबको पता है बिल गेट्स उसके एक फाउंडर हैं, लेकिन उनके साथ एक और फाउंडर थे, उनका नाम बताइए। जो माइक्रोसॉफ्ट के ओरिजिनल फाउंडर थे उनका नाम आपको बताना है।
बिल गेट्स एंड वन अदर पर्सन, तो अदर पर्सन का नाम बताना है आपको, जो अब इसमें जो सबसे कंप्लीट नाम बताएगा वो जीतेगा। जो इनके जो फाउंडर हैं हु वाज पार्टनर ऑफ बिल गेट्स, उनका आपको पूरा नाम बताना है। 1975 माइक्रोसॉफ्ट वाज फाउंडेड बिटवीन बिल गेट्स बिकॉज ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन बिल गेट्स एंड विच अदर पर्सन। सो आई स्टार्टेड गेटिंग द आंसर्स, वेरी नाइस, पीपल सीम्स टू नो माइक्रोसॉफ्ट प्रीटी वेल। जैस्मिन इज द फर्स्ट वन, जैस्मिन सेज पॉल एलन। सनिका सेकेंड, सनिका इज सेकेंड पर्सन, पॉल एलन। साक्षी इज सेइंग पॉल गार्डनर एलन। वैष्णवी पांडे पॉल गार्डनर एलन। सनिका पॉल गार्डनर एलन। ऑल राइट, तो हम सबसे पहले जवाब आया है जैस्मिन का। जैस्मिन इज द फर्स्ट वन, शी इज सेइंग पॉल एलन। ऑल राइट, नाउ वी विल ओपन द आंसर एंड वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर कंप्लीट नेम, राइट। इफ जैस्मिन आंसर इज नॉट कंप्लीट, वी विल मूव टू द नेक्स्ट कंप्लीट आंसर। ऑल राइट, अगर किसी ने भी कंप्लीट आंसर नहीं दिया होगा तो जैस्मिन जीत जाएंगे। तो अब ये कह के हम आगे बढ़ते हैं। एंड जैस्मिन, आपका सबसे पहले आंसर आया था, यू आर सेइंग पॉल एलन। आई विल ओपन द आंसर नाउ। हिज फुल नेम इज पॉल गार्डनर एलन। पॉल गार्डनर एलन इज द फुल नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट अलॉन्ग विद बिल गेट्स। तो पॉल गार्डनर एलन सबसे पहले किसने दिया है? साक्षी ने दिया है। अनफॉर्चुनेटली जैस्मिन, आपने पूरा नाम पहले नहीं दिया है, इसकी वजह से जो पहला जो नाम जो उन्होंने पूरा दिया है उनका नाम है साक्षी। साक्षी का नाम स्क्रीन पे है। साक्षी जी, यू हैव वन दिस राउंड। सो फ्रेंड्स, वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर क्विज। We will take a very very short break to compile the data of the winners and come back to you with the announcement. Meanwhile, we have another contest which is still running, that is the lucky draw. 6 people have participated. All you have to do is type exclamation followed by join, send that message and our system will take you in. इसमें जो आपको reward मिलेगा वो और भी बड़ा reward है, वो 1000 रुपये की reading है which is angel's guidance. तो if you have not participated, please do type exclamation followed by join. And friends, I will join you back. I will take a short break and come back with the result, quiz result and also announcement of the winner. Don't go anywhere. तो दोस्तों, अब मैं वापस आ गया हूं और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आप सबने आज काफ़ी अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया। जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनके मैं नाम सबसे पहले लूंगा। उनके नाम हैं सनिका, प्रतिमा कुशवाहा, जैस्मिन, साक्षी एंड वैष्णवी पांडे। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। See, if you participate, then only you can win. But if you do not participate, there is no question of winning and losing. लेकिन अगर आप आज हार भी जाते हैं तो not to worry, because we come in front of you every day with this quiz. You will definitely win tomorrow. However, you will be much smarter. Your knowledge will improve and you will also become sharper. All right. ऐसा करके हम आगे बढ़ते हैं और अब हम अपने results के बारे में बताएंगे। हमारे बीच में आज टाई सिचुएशन है। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। द टाई इज बिटवीन सनिका एंड साक्षी। दोनों का स्कोर 2 है। सनिका ने भी 2 राउंड जीते हैं और साक्षी ने भी 2 राउंड जीते हैं। तो आज सनिका और साक्षी के बीच में टाई ब्रेकर हम करेंगे और टाई ब्रेकर हम करेंगे। एक क्वेश्चन होगा। रूल ऑफ द गेम स्टिल रिमेन द सेम। आपको सबसे पहले सही जवाब देना है। क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। ऑल राइट, और सिर्फ 2 लोगों को ही आंसर देना है। उनका नाम है सनिका और साक्षी। सनिका एंड साक्षी, आप बोलिए इफ़ यू आर प्रेजेंट इन द हाउस। आई विल डिस्प्ले द क्वेश्चन सो दैट दोनों को एक ही
समय पे क्वेश्चन दिखाई दे, एक साथ ही दिखाई दे. इफ यू से दैट यू आर प्रेजेंट आई विल स्टार्ट डिस्प्लेइंग द क्वेश्चन. सनिका एंड साक्षी, अगर आप प्रेजेंट हैं तो बोलिए यस यू आर प्रेजेंट. सनिका एंड साक्षी, आप दोनों को ही टाई ब्रेकर खेलना है. सो साक्षी सेज शी इज प्रेजेंट इन द हाउस. व्हाट अबाउट सनिका? सनिका आर यू प्रेजेंट? सनिका जी आर यू प्रेजेंट? बिकॉज इफ यू आर नॉट देन साक्षी विल विन ऑटोमेटिकली विदाउट द टाई ब्रेकर. विदाउट द टाई ब्रेकर. ओके, सनिका इज ऑल्सो प्रेजेंट. सनिका इज सेइंग वेट. ऑल राइट, तो साक्षी इज प्रेजेंट, सनिका इज ऑल्सो प्रेजेंट, बट शी इज आस्किंग अस टू वेट. बोथ ऑफ यू आर रेडी, आई कैन डिस्प्ले द क्वेश्चन. सनिका जी, ऑल राइट, सो बोथ आर रेडी. आई एम नाउ गोइंग टू डिस्प्ले द टाई ब्रेकर क्वेश्चन. ध्यान से पढ़िएगा और इसका बिल्कुल सही जवाब देना है. सबसे पहले जो सही जवाब देगा वो जीत जाएगा. ऑल राइट, ओनली सनिका एंड साक्षी, और कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा. ऑल राइट, हियर कम्स द क्वेश्चन. इन द ईयर 1977 ए न्यू पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट इन इंडिया. हु वॉज अ प्राइम मिनिस्टर? 1977 में एक नई पार्टी ने गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया इंडिया में. 1977 में जो पार्टी, नई पार्टी जिसको मैंडेट मिला और उन्होंने गवर्नमेंट को फॉर्म किया इंडिया में, उस गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? उनका पूरा नाम बताना है आपको. 1977 में जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका पूरा नाम बताना है जीतने के लिए. सनिका एंड साक्षी ओनली. सबसे पहले जो सही जवाब देगा वो ही जीतेगा. ऑल राइट, सो सनिका इज सेइंग श्री मुरारजी देसाई एंड साक्षी इज सेइंग मुरारजी रणछोड़ जी देसाई. ऑल राइट, दोनों के आंसर आ गए हैं. सनिका का भी आंसर आ गया है, साक्षी का भी आंसर आ गया है. अब हम आंसर दिखाएंगे, देखेंगे किसने सही आंसर दिया है. हियर कम्स द आंसर. मुरारजी रणछोड़ जी देसाई, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जो 1977 में बने थे, इनका पूरा नाम है मुरारजी रणछोड़ जी देसाई. और सही जवाब देने वाली हैं, सबसे पहले जिन्होंने सही जवाब दिया है वो है साक्षी. सनिका ने जवाब दिया था, उन्होंने पूरा नाम नहीं बताया है. साक्षी ने पूरा नाम बताया है, मुरारजी रणछोड़ जी देसाई. मुरारजी रणछोड़ जी देसाई, साक्षी ने पूरा नाम बताया है. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर साक्षी. साक्षी जी, आप इस क्विज को जीती हैं. आपने टाई ब्रेकर जीता है, इसके वजह से आप इस क्विज को भी जीतती हैं. एज ए रिवॉर्ड यू विल गेट प्री ओरेकल रीडिंग विच इज वर्थ 400 रुपीज. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट. अपने जो क्वेश्चंस आपको पूछने हैं आप सोच लीजिए, बिकॉज आफ्टर द ब्रेक व्हेन वी रिटर्न वी विल टेक अप योर क्वेश्चंस एंड ओरेकल विल रिस्पॉन्ड. ऑल द बेस्ट साक्षी.